हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी लोग? सभी लोग ठीक ठाक अच्छे होंगे? सभी लोग तैयारी चल रही है सभी की? तो बच्चों, अभी हम लोगों ने लास्ट वीडियो जो स्टडी किया था, उसमें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कूलाम्स ला को पढ़ा, और कूलाम्स ला के जो फंडामेंटल्स होते हैं उनको हम लोगों ने सीखा। आई होप कि सभी को सारे कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। जैसा हो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखें, किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सारी चीज़ें सभी को समझ में आ गई। और कूलाम्स ला के बाद हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना कूलाम्स ला से सीखा, डाइलेक्ट्रिक जो मटेरियल होता है उसकी प्रेजेंस के बारे में सीखा, और उसके जो फार्मूलेज होते हैं उनकी स्टडी करी। तो आज के लेक्चर में हम लोग कूलाम्स ला पे बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे, जिस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग इनका अभ्यास करें और इनके नोट्स भी बनाते चलें, और इनकी मन लगा करके आप तैयारी करें, ठीक है? रिवीजन जितना अच्छा होगा तैयारी उतनी ही बेहतरीन होगी, इसलिए बार बार सबसे इंपॉर्टेंट होता है टॉपिक को रिवाइज करना, ठीक है बच्चों? और शॉर्ट वीडियो सभी लोग नोट्स बनाते रहें, जो जो वीडियोज आ रहे हैं उनके नोट्स बनाना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। जब तक आप नोट्स नहीं बनाओगे तब तक आप उनको बार बार रिवाइज कैसे कर पाओगे, इसलिए आप लोग उसके नोट्स बनाएं। और आपकी तैयारी कैसी चल रही है कमेंट सेक्शन में आप इस बात को ज़रूर लिखें। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें सभी लोग, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ध्यान दें, मैं ट्रांसलेट करता चलूंगा क्वेश्चंस को। किसी उदासीन चालक प्लेट से 10^19 इलेक्ट्रॉन निष्कासित किए जाते हैं, तो चालक प्लेट पर आवेश क्या होगा, ठीक है ना? क्या क्वेश्चन कह रहा है? 10^19 इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम न्यूट्रल कंडक्टर, देन फाइंड द चार्ज ऑन मेटल सीट। आपको बताना है धातु की चादर पर कितना आवेश होगा। ऑप्शंस आपके सामने दिए हैं, क्वेश्चन कैसे लगाओगे? कोई भी हमारे पास एक मेटल की सीट है, धातु की चादर, और सवाल ये कह रहा है कि धातु की चादर से 10^19 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो n इज इक्वल टू 10^19। एन को हम लोगों ने क्या पढ़ा था? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जितने इलेक्ट्रॉन किसी भी पदार्थ से या पदार्थ के परमाणु से आते और जाते हैं उनकी संख्या को एन बोला जाता है। और याद करिए, चार्ज का फार्मूला यानी आवेश का फार्मूला था क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। याद आया, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश की परमाणुकता या आवेश का क्वांटीकरण जिसको हम लोग बोलते हैं। यहाँ पर ई को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और एन को जानते हो उतने इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर होते हैं एक से दूसरे में, और क्यू को हम लोग बेटा फाइनली क्या बोलते हैं? चार्ज अर्थात आवेश। क्लियर? तो यहां पर अगर हम लोग ध्यान दें तो उसने कहा 10^19 इलेक्ट्रॉन निष्कासित होते हैं। सभी लोग जानते हो किसी परमाणु से जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो उस पर चार्ज आएगा पॉजिटिव, तो एक बात तो क्लियर है कि इस पर चार्ज आएगा प्लस का, इसलिए हम लोग फार्मूला लगाएंगे क्यू इज इक्वल टू प्लस एन ई। एन की जगह आप क्या रखोगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10^19। इलेक्ट्रॉन का चार्ज बेटा क्या होता है? 1.6 × 10^-19। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, सवाल का आंसर आ गया 1.6 कूलाम। और चूंकि मेटल की प्लेट से इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हैं इसलिए चार्ज कैसा होगा? पॉजिटिव। तो हम लोग किस आंसर को करेक्ट करेंगे? प्लस का 1.6 कूलाम, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। सभी को तरीका समझ में आ गया। आवेश निकालने का फार्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों? क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी। प्लस साइन क्या बताता है? इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हैं, और माइनस साइन क्या बताता है? इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। क्लियर? नोट कर लें सभी लोग सवाल को। तो इस प्रकार के भी बेसिक क्वेश्चन कभी कदार एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं, जल्दी से नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ध्यान दें, किसी अचालक का परावैद्युतांक निम्न में से होगा। परावैद्युतांक को हम लोग क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, ठीक है? इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं याद है ना सभी को? के से। ध्यान आया, परावैद्युतांक अर्थात डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? के से। अब सवाल क्या कह रहा है? किसी अचालक का, अचालक का मतलब इंसुलेटर का, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा। द डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एन इंसुलेटर कैन बी, पहला ऑप्शन है -1, दूसरा 0, तीसरा 0.5, चौथा है 5। जल्दी से बताएं आंसर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में लिखें। क्वेश्चन पढ़ के तुरंत आप आंसर को नोट कर दिया करें, जिस बच्चे को आ जाए वो आंसर अपने आप करा करें। डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्या होती है? परावैद्युतांक के का मान कभी भी माइनस में नहीं होता, के नेवर विल बी नेगेटिव, लर्न होना चाहिए। तो देखो क्या इसमें से कोई आंसर माइनस में है? ए वाला, अर्थात ये गलत है, नहीं होगा। के की वैल्यू कभी जीरो नहीं हो सकती, ये भी गलत है, याद आया।
और के की वैल्यू कभी एक से कम भी नहीं हो सकती 0.5, ये भी गलत है। के का मान या तो एक और या तो एक से बड़ा। याद आया सभी को? भूल जाते हो। एयर और वैक्यूम पढ़ाया था मैंने पिछले लेक्चर में, जिन लोगों को ना पढ़ा हो वो जाके कूलाम्स लॉ को ध्यान से पढ़ो पहले। वायु या निर्वात में के की वैल्यू क्या होती थी? 1। एयर और वैक्यूम, ठीक है, के की वैल्यू क्या होती थी? 1। और बाकी जितने भी माध्यम हैं उनके लिए के का मान हमेशा एक से बड़ा होता है। के इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो इस आधार पर अगर देखा जाए तो क्वेश्चन का कौन सा आंसर करेक्ट होगा बच्चों? क्वेश्चन का आंसर करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी। दैट मींस ये जो मान दिए गए हैं इनमें से के बराबर 5 हो सकता है, बाकी सारे आंसर्स गलत हैं। सभी को तरीका समझ में आ गया? तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो सब लोग कर ले जाओगे। डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट की क्या क्या पहचान है? माइनस में नहीं होता, जीरो नहीं होता, एक से कम नहीं होता, जब भी होगा तो एक से बड़ा होगा। बाकी सबके लिए के का मान क्या क्या होता है तो मैंने पिछले लेक्चर में जाके पढ़ाया है, आप उसको जरूर चेक कर लें। टॉपिक का नाम कूलाम्स लॉ, क्लियर? जल्दी से नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ध्यान दें, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, एग्जाम में इसी प्रकार का क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए इसको भी आप तैयार कर लें। 2 बिंदु आवेश प्लस 4 माइक्रो कूलाम प्लस 5 माइक्रो कूलाम वायु में 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं, इन पर उत्पन्न वैद्युत बलों का अनुपात होगा। 2 पॉइंट चार्जेस 4 माइक्रो कूलाम एंड 5 माइक्रो कूलाम आर केप्ट इन एयर एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच अदर, देन फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस ऑन देम। उन पर लगने वाले वैद्युत बलों का अनुपात क्या होगा? सॉल्व करें जल्दी से। वैद्युत बलों का अनुपात हम लोगों को ज्ञात करना है, इसका आंसर आ गया हो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखे। प्लस का 4 माइक्रो कूलाम, प्लस का 5 माइक्रो कूलाम, बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर को मीटर में 10 × 10^-2। अब आप इलेक्ट्रिक फोर्स के फार्मूले को यहां पर लगा, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला क्या होगा? एफ इज इक्वल टू 9 × 10^9 Q1 Q2/r². यही तो होता है ना। बस यहां पर हमको क्या ध्यान देना था, Q1 Q2 को किसमें रखते हैं? मैग्नीट्यूड अर्थात परिमाण में। तो कैसे सॉल्व करोगे? F इज इक्वल टू 9 × 10^9 Q1 की जगह क्या रखोगे? 4 × 10^-6 Q2 की जगह क्या रखोगे? 5 × 10^-6 माइक्रो को कन्वर्ट कर लिया, और R की जगह क्या रखोगे? 10 × 10^-2 बात सभी को समझ में? सॉल्व कर लो जरा, सॉल्व कर लो कितना आएगा। F इज इक्वल टू 9 × 10^9 इंटू ये वैल्यू कितनी आएगी? 2 × 10^-9 क्लियर, मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा F इज इक्वल टू 18 N। सभी को समझ में आ गया? इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये होगा 20 × 10^-6 − 6 − 12 और ये 10^-1 का होल स्क्वायर, 10^-2 ऊपर ले जाओगे, प्लस का 2 × 10^9 18 N आ गया। अब इतना फोर्स 4 माइक्रो कूलाम ने 5 माइक्रो कूलाम पर लगाया दाईं ओर, फोर्स ऑफ रिपल्सन 18 N, बस इतना ध्यान देना। 4 माइक्रो कूलाम ने 5 माइक्रो कूलाम पर इतना फोर्स लगाया प्रतिकर्षण, और 5 माइक्रो कूलाम ने 4 माइक्रो कूलाम पर भी इतना ही बल लगाया, और यह भी कैसा? फोर्स ऑफ रिपल्सन, जिसको कहते हो प्रतिकर्षण बल। तो दोनों बल वही हो गए। अगर इसको हम लोग बोलते हैं F12 तो इसको F21, दैट इज आल्सो इक्वल टू 18 N। F12 F21 समझ गए ना। अगर इसको 1 चार्ज बोल दें, इसको 2, तो 1 ने 2 पर लगाया और 2 ने 1 पे लगाया। दोनों फोर्सेस कैसे हैं? सेम। ये तो वैसे भी होगा, आपको लर्न भी होना चाहिए। तो अगर हम लोग इन दोनों का रेशियो निकालें, F12/F21 18/18, दैट मींस 1/1। क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सभी को ये बात समझ में आ गई? ये बात आपको वैसे भी पता होनी चाहिए, ये तो मैंने करके दिखा दिया ऐसे बच्चों के लिए कि जो डायरेक्ट ना इस बात को समझ पाए, नहीं तो अन्यथा आपको ये पता होना चाहिए कि कूलाम के नियम में दोनों आवेश एक दूसरे पर समान बल लगाते हैं। कैलकुलेशन करने की जरूरत आपको नहीं पड़ती सवाल में, क्योंकि रेशियो पूछा है। अगर रेशियो ना पूछता तो कैलकुलेशन करते, एक आवेश से दूसरे आवेश पर लगने वाला बल बताओ, तो कैलकुलेशन की जरूरत थी। लेकिन चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया। तो आप वैसे भी इस बात को दिमाग में रखते कि जितना बल 5 लगाएगा 4 पे, उतना ही वैद्युत बल 4 माइक्रो कूलाम
कूलाम लगाएगा, 5 माइक्रो कूलाम पर दोनों बल परिमाण में क्या होंगे, समान होंगे, इसलिए इनका रेशियो क्या आएगा बच्चों, आंसर 1:1। क्लियर हो गया, तो तैयार कर लो ऐसे क्वेश्चन को भी, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार का कई बार पूछा जाता है, जल्दी से नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों ध्यान दें, एक आवेशित वस्तु पर 1 नैनो कूलाम का चार्ज है तो वस्तु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। ठीक है, कर लें क्वेश्चन को जल्दी से, बिल्कुल सिंपल है, क्वेश्चन ऐसा लगवाया भी है मैंने। देयर इज 1 नैनो कूलाम चार्ज प्रेजेंट ऑन एनी चार्ज बॉडी, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉडी विल बी, क्या क्या हम लोगों को दिया है, आंसर्स आपके सामने दिए, इसका आंसर आ जाए कमेंट सेक्शन में लिखें। चार्ज दिया है नैनो कूलाम, नैनो कूलाम को लिखोगे 10^-9 कूलाम, और आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए फार्मूला क्या लगाओगे, क्यू इज इक्वल टू एनी, देयर फोर एन इज इक्वल टू क्यू बाई ई, क्यू की जगह क्या लिखोगे 1 × 10^-9 और इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10^-19, बस सॉल्व कर लीजिए आप लोग इसको, तो आंसर आएगा 6.25 × 10^9 इलेक्ट्रॉन्स, देयरफोर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सभी को तरीका समझ में आ गया, फार्मूला क्या लगेगा, Q इज इक्वल टू एनी, सॉल्व कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 5, चार बिंदु आवेश वर्ग ABCD के शीर्षों पर स्थित हैं, वर्ग के केंद्र O पर रखे आवेश पर लगने वाला परिणामी बल होगा, सवाल सभी को समझ में आया, 4 चार्जेस आर केप्ट एट कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर, देन फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन एनी चार्ज केप्ट एट सेंटर O विल बी, वर्ग है ना, वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, आंसर्स आपके सामने दिए हैं। हम लोगों ने अपनी तरफ से सजेस्ट किया कि यहां पर एक चार्ज हम लोगों ने रख दिया प्लस का क्यू, चलो ठीक है, अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि बताओ इस चार्ज पर नेट फोर्स क्या होगा, ये है तो ओ लिख दें यहां पर, चलो ओ छोटा सा ओ लिख दिया है, कंफ्यूज ना होना है। अब बताइए यहां पर ये चार्ज कैसा है, प्लस का क्यू, ये वाला भी चार्ज प्लस क्यू, तो सी पर जो चार्ज है वो इस वाले चार्ज पर जो फोर्स लगाएगा उसकी डायरेक्शन, उसको हम लोगों ने लेट कर लिया एफ सी। अच्छा ये प्लस तो रिपल्सन होगा, इतना तो सभी लोग जानते हो, इसलिए इस बल की दिशा इधर हो गई। इसी प्रकार ए पर जो चार्ज है प्लस क्यू, वो ओ पर रखे चार्ज पर जो फोर्स लगाएगा वो भी फोर्स ऑफ रिपल्सन, तो ये होगा एफ ए। लेकिन बी पर जो चार्ज होगा प्लस का 2q और ये भी चार्ज प्लस का क्यू, तो बी वाला चार्ज क्यू पर जो फोर्स लगाएगा दैट इज एफ बी, फोर्स ऑफ रिपल्सन प्लस प्लस प्रतिकर्षण, फोर्स ऑफ रिपल्सन, और माइनस 2q क्यू वाले पर जो फोर्स लगाएगा दैट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अंदर की ओर डी की तरफ, तो दिस इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड दिस इज द फोर्स एफ डी। ये बात सभी को समझ में आई। अब जरा आप डायग्राम में देखो, जो एफ ए है और यहां पर ऊपर की ओर जो फोर्स है वो एफ सी, ये परिमाण में समान है, बोथ आर सेम इन मैग्नीट्यूड, लेकिन डायरेक्शन में कैसे हैं, अपोजिट, और जब ये दोनों बल परिमाण में समान और दिशाओं में विपरीत तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे, दे कैंसिल टू ईच अदर, तो इनका तो नेट आ गया जीरो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा सभी को, इनका नेट फोर्स क्या आ गया, जीरो, इन दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, क्यों कर दिया, मैंने आपको बताया परिमाण बराबर लेकिन दिशाएं कैसी विपरीत। लेकिन अगर आप इसकी बात करो तो ओ पर जो फोर्स लग रहा है एफ बी और दूसरा जो फोर्स लग रहा है एफ सी, दोनों सेम डायरेक्शन में है, ये भी ओ पर था और ये भी ओ पर, देख लो जरा इधर पिक्चर क्या बन रही है, दिस इज द एफ बी एंड दिस इज द एफ डी, तो एफ बी और एफ डी दोनों एक ही डायरेक्शन में है, सो दे विल बी एडेड, इनको जोड़ा जाएगा, इसलिए इनका जो नेट फोर्स आएगा एफ नेट इज इक्वल टू दैट इज एफ बी प्लस एफ डी। ये बात तो सभी को समझ में आ गई, बताएं सभी लोग, किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो यहां पर जो नेट फोर्स आएगा वो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, यहां पर जो नेट फोर्स आएगा वो एफ बी प्लस एफ डी, इतना ही कुल बल होगा जो चार्ज कैपिटल क्यू पर लगेगा जिसको ओ पर रखा गया है, तो एक बात तो क्लियर हो गई। और इस नेट की डायरेक्शन किधर होगी, जिधर एफ बी और एफ डी है, और एफ बी और एफ डी किधर है, ओडी की ओर, इसलिए इस नेट बल की डायरेक्शन भी किधर होगी, अलोंग ओडी, ओडी की दिशा में, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बोलिए क्लियर हो गया सभी को, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, समझ लो एक बार ध्यान से, फिर कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना, दोबारा फिर से एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है।
तो सवाल में कह रहा था कि जो ओ पर चार्ज रखा होगा उस पर नेट फोर्स की डायरेक्शन बताएं, तो नेट फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, अलोंग ओडी। रब कर दे बेटा, चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से, इंपॉर्टेंट सवाल है, तैयार रखिएगा, एग्जाम में अगर आ जाए तो सभी लोग करके आएंगे ऐसे सवाल को। अगला क्वेश्चन बच्चों ध्यान से पढ़ें, क्वेश्चन नंबर 6, पढ़िए सवाल को। दो आवेश 2 माइक्रो कूलाम और -2 माइक्रो कूलाम एक दूसरे पर 5 न्यूटन का बल उत्पन्न करते हैं, यदि दोनों आवेशों को परस्पर स्पर्श कराकर वापस उतनी ही दूरी पर रख दिया जाए तो आवेशों के बीच नया वैद्युत बल क्या होगा। बहुत अच्छा सवाल है, कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसे सवाल पूछ दिए जाते हैं जो सिंपल फार्मूला बेस्ड नहीं है, थोड़ा सा लॉजिक लगा रहता है, जैसे टचिंग का केस है, आवेशों को स्पर्श कराया जाता है। इंग्लिश मीडियम वाले भी ध्यान से सुन लें, 2 चार्जेस ऑफ 2 माइक्रो कूलाम एंड -2 माइक्रो कूलाम आर एग्जर्ट ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन ऑन ईच अदर, व्हेन बोथ चार्जेस आर टचिंग विद ईच अदर एंड अगेन केप्ट एट द सेम डिस्टेंस, देन फाइंड न्यू इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन चार्जेस विल बी। देखो पहला चार्ज कौन सा है, 2 माइक्रो कूलाम, दूसरा भी कौन सा है, माइनस का 2 माइक्रो कूलाम, बीच की दूरी को हम लोगों ने अपनी तरफ से मान लिया। आंसर ये दिए हैं, किसी का आ गया हो तो लिख सकता है, ठीक है, इसका आंसर आ गया हो कमेंट सेक्शन में लिखें, और ये भी लिखें कि सवाल आपको कैसे लग रहे हैं इस टॉपिक के, समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो ये Q1 और ये Q2 हो गया, तो इनके बीच में कितना फोर्स है, बराबर 5 न्यूटन का बल इन आवेशों के बीच में कार्य करता है, F बराबर 5 न्यूटन। अब सवाल क्या कह रहा है, अगली लाइन में ही पूरा ट्विस्ट है, अगर आप ध्यान से पढ़ें, यदि दोनों चार्जेस को आपस में टच करा करके, आगे मेन बात, अगर दोनों चार्जेस को आपस में टच कराओगे तो याद रखना जब दोनों को आपस में स्पर्श कराया जाता है, Q1 Q2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अपनी कॉपी में नोट कर लें, जब दो चार्जेस आपस में टच कराए जाते हैं तो जो नए आवेश आता है, न्यू चार्जेस जो होंगे वो Q1 डैश बराबर Q2 डैश बराबर Q1 प्लस Q2 बाई 2। बस इतनी बात जिस बच्चे को याद है इलेक्ट्रोस्टैटिक में कूलाम्स लॉ में टचिंग वाले केस में, इतनी बात जिस बच्चे को लर्न है समझो उसकी तैयारी अच्छी है, इसलिए इसको जरूर तैयार कर लेना, क्वेश्चन आया तो गड़बड़ ना करके आना पेपर में। तो बताओ Q1 कितना है, 2, और Q2 -2, तो अगर नए आवेश की बात करो तो Q1 डैश बराबर 2 -2 बटे 2। हाँ ये बात ध्यान देना कि चार्जेस को विद द साइन लिया जाता है, आवेशों को चिन्ह के साथ रखोगे, अगर -2 है तो माइनस आएगा, तो बेटा ये तो कैंसिल हो गया सर, तो ये 0 आ गया। इसी प्रकार दूसरे चार्ज की अगर बात करें तो Q2 डैश भी 0 आ गया। क्या बात है, जब दोनों को टच कराओगे तो दोनों पे नया चार्ज 0 आ गया, और जब दोनों पर नया चार्ज 0 आ गया तो अगर नए बल की बात करोगे तो F डैश प्रोपोर्शनल Q1 डैश Q2 डैश अपॉन R स्क्वायर से Q1 डैश 0 Q2 डैश 0 ओवरऑल आंसर विल बी 0, अर्थात दोनों को आपस में टच कराने पर दोनों के बीच लगने वाला नया वैद्युत बल क्या होगा, 0। आंसर नंबर डी इज करेक्ट। समझ में आ गया कि नहीं आ गया ये बताओ पहले, आ गया? अरे कोई टफ नहीं था, पढ़ने वाली बात थी, पढ़ा भी होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको लोग समझ लें, मैंने बता तो दिया आपको पूरा तरीका, नोट कर लें जल्दी से कॉपी में, इस बात को आप कहीं लिख लें, दो आवेशों को या दो आवेशित वस्तुओं को आपस में स्पर्श कराने से उन पर नए आवेश, द न्यू चार्जेस ऑन देम, Q1 डैश Q2 डैश इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 बाई 2 हो जाता है। कर लिया सभी लोगों ने, तैयारी करते रहो भाई सभी लोग, ठीक है, मन लगा करके जल्दी से नोट करो। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए क्या कह रहा है, दो आवेश जो वायु में स्थित हैं इनके बीच F बल कार्य करता है, इन आवेशों के बीच एक तांबे की प्लेट रख दें तो आवेशों के बीच वैद्युत बल होगा। सवाल समझ में आया सभी को, 2 चार्जेस आर केप्ट इन एयर, देन इलेक्ट्रिक फोर्स F एक्ट बिटवीन देम, व्हेन ए कॉपर सीट इज केप्ट बिटवीन देम देन न्यू इलेक्ट्रिक फोर्स विल बी। पहला आंसर है पहले से अधिक, मोर देन अर्लियर, पहले से कम लेकिन अशून्य, लेस देन प्रीवियस बट नॉन जीरो, और अपरिवर्तित रिमेन्स अनचेंज, और चौथा आंसर है 0। ये तो यार पढ़ाया था मैंने, कर ले जाओगे क्यों भाई। दो चार्ज Q1 और Q2 अगर हों और बीच का सेपरेशन R, तो बताओ इनके बीच में कितना बल लगेगा, F बराबर के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर लगेगा, सही है ना। और जब इनके बीच एक तांबे की प्लेट रख दो, तांबा क्या है, डाइलेक्ट्रिक है, क्यों भाई, तांबा क्या है, डाइलेक्ट्रिक है,
कॉपर की शीट, कॉपर शीट, अगर इनके बीच एक कॉपर की शीट रख दें तो कॉपर की शीट क्या होती है? डाइलेक्ट्रिक, धातु है, मेटल। और क्या मैंने आपको पढ़ाया था कूलाम के नियम में कि यदि दो आवेशों के बीच कोई परावैद्युत रख दिया जाए, कोई धातु की प्लेट रख दी जाए, तो आवेशों के बीच वैद्युत बल का मान सदैव घटता है। याद आया किस फार्मूले से? F इज इक्वल टू 1/4πε0kQ1Q2/r2। तो देखो F प्रोपोर्शनल 1/k, याद आया, जिसका k जितना ज्यादा होगा डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, इलेक्ट्रिक फोर्स उतना कम होगा। फिर ये तो मेटल है कॉपर, कॉपर के लिए के इनफाइनाइट होगा, धातु है, ध्यान रखना, इसलिए एफ की वैल्यू जीरो तो नहीं होगी लेकिन पहले से बहुत कम होगी। दैट मींस इलेक्ट्रिक फोर्स डिक्रीजेस बट नॉट इक्वल टू जीरो। इसलिए क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। सभी को समझ में आ गया कि दो आवेशों के बीच अगर कोई एक धातु की प्लेट रख दी जाए, व्हेन ए मेटल शीट इज केप्ट बिटवीन टू चार्जेस, तो उनके बीच इलेक्ट्रिक फोर्स का मान पहले से कम हो जाता है, फर्स्ट डिक्रीजेस बट नॉट इक्वल टू जीरो। नोट कर लें जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 7। जितने ज्यादा हो सके बेटा फार्मूले अच्छी तरह लर्न करें, जिस टॉपिक के आपको फार्मूले अच्छे तैयार होंगे वो टॉपिक आपका बहुत अच्छा प्रिपेयर होता है। फिजिक्स में सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपको सूत्र याद है, अगर आपको टॉपिक का कॉन्सेप्ट तैयार है और उसके फार्मूले लर्न हैं, तो न्यूमेरिकल लगाने में कोई भी कठिनाई नहीं आने वाली है, ठीक है। चाहे वो वन लाइनर हो, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन, और चाहे वो न्यूमेरिकल सेक्शन का हो, सारे क्वेश्चन आप आसानी से लगा सकते हो। नोट कर लो जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? आवेश कैपिटल क्यू को दो भागों में विभाजित किया गया और इन्हें कुछ दूरी पर रखा जाता है, इन भागों के बीच अधिकतम वैद्युत बल कार्य करेगा जब आवेशों के मान हैं, है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई मॉडल सेट्स में पेपर्स में दिया रहता है, कुछ बच्चों को आता है कुछ को नहीं आता है, जिसको नहीं आता वो लोग समझ लो। ए चार्ज कैपिटल क्यू डिवाइड्स इन टू पार्ट्स एंड दीज पार्ट्स आर केप्ट एट सम डिस्टेंस, नाउ द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन दीज पार्ट्स विल बी मैक्सिमम व्हेन चार्जेस हैव द वैल्यूज। आंसर्स आपको दिए हैं, कह रहा है एक आवेश कैपिटल क्यू है, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, हमने कहा कि इसका एक पार्ट है क्यू, अपनी तरफ से मान नहीं देखो, ठीक, सीखा करो सवाल कैसे लगाया जाता है, इसका एक पार्ट है क्यू। अब बताओ क्यू से अगर क्यू निकल गया तो दूसरा पार्ट क्या बचा? क्यू माइनस क्यू। इसका मतलब सवाल में जो दो आवेश हैं उसमें एक का भाग क्या है? क्यू, दूसरे का क्यू माइनस क्यू, ठीक है। तो चलो हमने यहां पर लिखा क्यू, यहां पर लिख दें, यहां पर लिखा क्यू और यहां पर क्यू माइनस क्यू, ऐसे दो हैं, बीच की दूरी कितनी है यार? अब सवाल क्या कह रहा है, सवाल को ध्यान से पढ़ें, क्वेश्चन क्या कह रहा है? इनके बीच लगने वाला वैद्युत बल अधिकतम है, तो पहले तो इलेक्ट्रिक फोर्स निकालो इनके बीच में। इलेक्ट्रिक फोर्स कैसे निकलेगा बताओ? इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला क्या होगा? F इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू, तो क्यू माइनस क्यू और अपॉन आर स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया इन चार्जेस के बीच में। इसको और सिंप्लीफाई करना और कर लो, के क्यू का मल्टीप्लाई करो, क्यू क्यू माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। चलो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दें। अब उसने क्या कहा है कि आवेशों के इन दोनों भागों के बीच लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स मैक्सिमम है। एक बार मैं क्वेश्चन पहले बता चुका हूं लेकिन फिर भी समझ लें, इन दोनों के बीच जो फोर्स है वो मैक्सिमम, तो याद करो मैक्सिमा की कंडीशन क्या होती है, बोलो भाई, मैक्सिमा की कंडीशन होती है df अपॉन dq इज इक्वल टू जीरो, दिस इज द मैक्सिमम कंडीशन। इसको अधिकतम बल की शर्त बोला जाता है, ठीक है ना, मैक्सिमम मिनिमम एक टॉपिक होता है मैथमेटिक्स में, dy बाय dx इज इक्वल टू जीरो, उसी से हुआ df अपॉन dq इज इक्वल टू जीरो। चलो इसको डिफरेंशिएट करते हैं स्मॉल q के सापेक्ष, तो d अपॉन dq और k फिर कैपिटल qq माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। देखो मैं डायरेक्ट नहीं कर रहा हूं किसी स्टेप को, ठीक है, ये तो आपको लगे सीधे सीधे कर दिया इसीलिए बता के कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो आर स्क्वायर तो जीरो हो जाएगा, के भी जीरो हो जाएगा, कॉन्स्टेंट है केवल, ये दोनों टर्म बचेंगे बेटा, सीख लो, डी अपॉन डी क्यू, तो क्यू क्यू माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। आप इसको अलग अलग डिफरेंशिएट करा लो,
जब डी अपॉन डी क्यू 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 करोगे तो कैपिटल क्यू आ जाएगा, स्मॉल क्यू का वन होगा, और जब क्यू स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे तो टू क्यू आएगा, तो कैपिटल क्यू बराबर आएगा टू क्यू। तो बताओ यहां से अगर हम लोग स्मॉल क्यू की वैल्यू निकालें तो स्मॉल क्यू की वैल्यू क्या आएगी, क्यू बाई टू। एक बात तो समझ में आ गई ना, स्मॉल क्यू का मान क्या आएगा, कैपिटल क्यू बाई टू। बोलो ये सभी को समझ में आ गया, क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, स्मॉल क्यू का मान आ गया। अब बताओ एक भाग तो स्मॉल क्यू था और एक क्या था, क्यू माइनस क्यू, तो पहला भाग तो क्यू हो गया, फर्स्ट पार्ट, जो फर्स्ट पार्ट है वो तो क्यू हो गया, और जो सेकंड पार्ट है बच्चों वो क्या होगा, क्यू माइनस क्यू, तो कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू, और स्मॉल क्यू की वैल्यू क्या आई थी, क्यू बाई टू, तो क्यू माइनस क्यू बाई टू, दैट मीन्स क्यू बाई टू। इसका मतलब पहला भाग भी कितना, क्यू बाई टू, और दूसरा भाग भी कितना, क्यू बाई टू, यानी ये दोनों जो टुकड़े हमने बांटे हैं उनमें प्रत्येक क्या होगा, क्यू बाई टू। बोलो सवाल सभी को समझ में आ गया, किसी कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, क्वेश्चन आप लोग जरूर इसको तैयार कर लें। तो प्रत्येक भाग कितना होगा, क्यू बाई टू, बस कुछ नहीं करना है मेरे प्यारे बच्चों, पहले क्यू और क्यू माइनस क्यू, एक पार्ट क्यू निकाल देना कैपिटल क्यू से, तो दूसरा क्या बचेगा, क्यू माइनस क्यू, और कूलाम्स ला का फार्मूला स्मॉल क्यू का अंदर मल्टीप्लाई, और मैक्सिमम कंडीशन लगा देना डीएफ अपॉन डी क्यू, डीएफ अपॉन डी क्यू इज इक्वल टू जीरो, डिफरेंशिएशन सभी को आता होगा, स्मॉल क्यू का मान निकल आया, जब एक भाग स्मॉल क्यू तो दूसरा क्यू माइनस स्मॉल क्यू, स्मॉल क्यू की वैल्यू रख दी, आंसर क्या आया, क्यू बाई टू आ गया। सभी को समझ में आ गया, चलो ठीक है, लाइक कर दो इसी बात पे, लाइक करो, शेयर करो, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी करो, ठीक है, इससे आगे आने वाले जो भी वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचें, जो लेक्चर्स हैं वो आप तक पहुंचें, और आपकी तैयारी और भी बेहतरीन हो। नोट कर लो जल्दी से, अगला क्वेश्चन बच्चों ध्यान दें, एक निश्चित दूरी पर रखे इलेक्ट्रॉनों के बीच एफ बल कार्य करता है, समान दूरी पर रखे प्रोटॉनों के बीच उत्पन्न इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा। द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स इज एफ, देन व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स विच आर केप्ट एट सेम डिस्टेंस अपार्ट। आंसर्स आपके सामने दिए गए हैं, और यह भी दिया है मास ऑफ प्रोटॉन किसके इक्वल है, 1836 गुना मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉनों का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमान का 1836 गुना है। आंसर सी दिए गए हैं, है ना, अच्छा क्वेश्चन, ये तो बिल्कुल आप लर्न कर लो, ये एक प्रकार का आपको लर्निंग पॉइंट भी है, ठीक, सभी लोग याद कर लें, प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1836 गुना होता है। लेकिन एक बात सोचने वाली है, कौन सी बात सोचने वाली है, आप लोग कहोगे सर मेरे पास तो तमाम बातें सोचने वाली है, एक बात ये सोचने वाली है कि जो कूलाम लॉ था उसके अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो कभी भी चार्जेस के मासेस अर्थात द्रव्यमानों पर निर्भर नहीं करता, इट ओनली डिपेंड्स ऑन द चार्जेस एंड डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। जो वैद्युत बल होता है वो आवेशों और उनके बीच की दूरी पर तो निर्भर करता है, लेकिन वो कभी भी द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। अच्छा देखो ये बात याद रखना, मासेस पर इंडिपेंडेंट है, यानी इसका कोई योगदान नहीं हुआ, ऐसे ही दिया है तुमको घुमाने के लिए ताकि कुछ बच्चे घूम जाएं, ठीक है ना, घूमना लेकिन तुम, ठीक है। तो बताओ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन बीच की दूरी आर, कितना फोर्स होगा, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर के ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, सही बात है ये, बोलो भाई इतनी बात सही समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम, क्लियर हो गया। और अगर प्रोटॉनों के लिए बात करो, प्रोटॉन्स प्रोटॉन्स बीच की दूरी आर, यार प्रोटॉन्स पे भी तो उतना ही चार्ज होता है जितना इलेक्ट्रॉन पे, इलेक्ट्रॉन पर होता है क्यू इज इक्वल टू माइनस 1.6 इनटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलाम, और प्रोटॉन पे होता है प्लस का 1.6 इनटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलाम। बताओ कोई प्रॉब्लम हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो जब कूलाम्स लॉ के अकॉर्डिंग जब इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करोगे तो वैद्युत बल तो मैग्नीट्यूड परिमाण पर डिपेंड करता है ना, तो सेम हो जाएंगे मैग्नीट्यूड। इसका मतलब जब फार्मूले की बात करोगे तो के ये भी क्या आएगा, ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, तो मास का कोई तामझाम यहां पर नहीं होगा। इसका मतलब है जो बल लगेगा इलेक्ट्रॉनों के बीच उतना ही बल लगेगा प्रोटॉनों के बीच, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट मींस एफ। समझ में आया, अब देखो ऐसे समझने में तो आसान लग रहा है, अब यही सवाल जब पेपर में आ जाता है आप ऐसा समझो तो वहां दिमाग पे बहुत जोर डालना पड़ता है, लगता कैसे होगा, ये दिया है मास ऑफ प्रोटॉन,
आधे बच्चे तो कहो ग्रेविटेशन लॉ ब्रेक कर दें, एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, एम कैसे दे दिया, समझ लो, है ना। तो इसके लिए प्रैक्टिस होनी चाहिए और सब्जेक्ट पे कमांड होनी चाहिए, टॉपिक अच्छी तरह आना चाहिए। तो वैद्युत बल का मान कभी भी आवेशों के द्रव्यमानों पर निर्भर नहीं करता। कर लो क्वेश्चन को, आंसर होगा एफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, बच्चों ध्यान दें, जब किसी आवेशित वस्तु को पृथ्वी से जोड़ा जाता है तो पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन निकलकर वस्तु में प्रवेश कर जाते हैं, तो वस्तु पर आवेश क्या होगा। सवाल सभी को समझ में आ गया। When any charged body is connected with the ground, then electrons moves from ground to the body or to the object. Then what is the charge on object? पहला आंसर है uncharged, यानी अनावेशित। दूसरा है पॉजिटिव चार्ज अर्थात धन आवेशित। तीसरा है नेगेटिव चार्ज अर्थात ऋण आवेशित। और अगला है नन ऑफ देम अर्थात इनमें से कोई नहीं। लगाएं क्वेश्चन को जल्दी से, क्या होगा आंसर जल्दी से बताएं। सवाल तो सभी को समझ में आ गया होगा। एक कोई चार्ज बॉडी है उसको ग्राउंड से जोड़ा गया, ग्राउंड का मतलब पृथ्वी, तो इलेक्ट्रॉन यहां से निकलकर बॉडी में जा रहे हैं। अच्छा एक चीज ये बताओ, जब इलेक्ट्रॉन पृथ्वी से निकलकर वस्तु में जा रहे होंगे इसका मतलब वस्तु पर आवेश कैसा रहा होगा, पॉजिटिव। ठीक, अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो वही तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, प्लस आवेश माइनस वाले आवेश को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है ना। इसका मतलब वस्तु पर कैसा आवेश रहा होगा, इसने जो लाइन लिखी थी आवेशित वस्तु, तो वस्तु में कैसा आवेश रहा होगा, पॉजिटिव, पहले का चार्ज। अब बताओ सवाल ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन यहां से निकलकर बॉडी में जा रहे हैं, जब इलेक्ट्रॉन यहां से निकलकर चार्ज बॉडी में जाएंगे तो चार्ज बॉडी में पहले चार्ज क्या था, पॉजिटिव, और जब इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे तो चार्ज क्या है इलेक्ट्रॉन का, नेगेटिव, और ये दोनों आवेश एक दूसरे को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे, निरस्त कर देंगे। इसका मतलब यह हुआ कि वस्तु जो होगी वो क्या हो जाएगी, अनचार्ज्ड, उदासीन, न्यूट्रल जिसको हम लोग बोलते हैं। तो क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, वस्तु का आवेश क्या होगा, अनावेशित। दैट मींस ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। बोलिए सभी को समझ में आ गया, ये लाइन तो क्लियर हो गई ना। उसने क्या कहा था कि वस्तु से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते हैं, उसने कहा था कि अर्थ से इलेक्ट्रॉन निकलकर बॉडी में एंटर कर जाते हैं। अगर अर्थ से इलेक्ट्रॉन निकलकर बॉडी में एंटर कर जाते हैं तो बॉडी में कैसा चार्ज रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज, और जब बॉडी में चार्ज रहा होगा पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन निकल के कहां चले गए, बॉडी में। इसका मतलब यह हुआ कि जो नेट चार्ज होगा वो क्या हो गया होगा, जीरो, तो टोटल चार्ज विल बी जीरो। नोट कर लें जल्दी से इसको। बोले भाई सभी को समझ में आ गया, सारे क्वेश्चन क्लियर, कोई प्रॉब्लम किसी को, फिलहाल तो कोई प्रॉब्लम मुझको नहीं समझ में आ रही है। आप जैसा हो कमेंट सेक्शन में बताएं कि सारे क्वेश्चंस आपको कैसे लगे, अच्छे लगे कि खराब लगे, कैसे सवाल लगे, लगाने में क्वेश्चन इंटरेस्ट आया कि नहीं आया। टॉपिक का क्या नाम था, कूलाम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक चार्ज। पिछले वाले लेक्चर को सब लोग जरूर पढ़ते रहें, दो वीडियो मैंने अपलोड किए थे, पहला इलेक्ट्रिक चार्ज वैद्युत आवेश और उसके गुण, और दूसरा क्या था, कूलाम्स लॉ, दोनों प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, आप जाकर चेक कर लें। और जो नए बच्चे इस समय वीडियो देख रहे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और पढ़ने में मजा आई हो, इंटरेस्ट आया हो, क्वेश्चन अच्छे लगे हों, आपको लगा हो कि मेरी तैयारी में ये क्वेश्चन हेल्पफुल हैं, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, क्लियर, और सब्सक्राइब जरूर करें, ये बात जरूर ध्यान रखें। ठीक है बच्चों, तो इसी प्रकार सब लोग तैयारी करते रहें। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखें, अपनी तैयारी को सुचारू रूप से अच्छे करते रहें। शॉर्ट वीडियोस जो मैंने लगातार अपलोड मैं कर रहा हूं उनके भी आप क्वेश्चंस के एक एक करके नोट्स बनाते रहें और लगातार अपनी तैयारी को अच्छी तरह करते रहें। तो नेक्स्ट टॉपिक में नए टॉपिक के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।